गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी भाइयों को बहनों को नमस्ते। पिछले कुछ दिन से एक हमारी बहन है श्वेता ढुल, और भी कई साथी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है HSSC को जगाने का। हमारे जो CM साहब हैं उनको बताने का कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, और सबसे अच्छी बात अध्यापकों की जो संख्या उन्होंने बताई वो बिल्कुल सही थी एज फार एज आई कंसर्न। तो कुछ तो असर हुआ है, ये तो हम कह नहीं सकते कि असर नहीं हुआ है। पहले तो उस बहन को श्वेता ढुल को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, एंड वी शुड बी ग्रेसफुल टू हर कि वो आपकी हमारी आवाज़ उठा रही है बहन, उसका हम धन्यवाद करते हैं साथियों। लेकिन इन सब के बावजूद अभी ये बात होगी 2 हफ्ते पहले की, तब एक नोटिफिकेशन CM का बयान आया था कि अभी 1500 DGT की हम भर्ती करेंगे। अब ये बात कह तो देते हैं लेकिन ना तो कोई HSSC की ओर से ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आता, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है। अब ठीक वैसे ही इस बात का संशय है, आई एम इन डाउट, कि जैसे अभी 11,000 की कही है, हालांकि संख्या इज मच लार्जर देन ऑफ इट। तो देखो अभी क्या होता है, 3 या 4 दिन तो हो गए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक ही हम एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे 1500 DGT की, अब तक वो भी नहीं निकली है भाई। और जो प्रयासों से 11,000 की, खुद CM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि 11,000 की हम 6,000 PGT 5,000 PGT की भर्ती करेंगे। बट आई डोंट नो वाई आई एम इन बिग डाउट व्हेन दीज वैकेंसीज वर कम ऑन ग्राउंड, क्योंकि अगर आ भी जाती हैं तो 2012 के टीचर जो भाई हमारे संघर्ष कर रहे हैं उनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि आने वाले हफ्ते या महीने में आ जाएंगी, आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, एफर्ट करेंगे हम सफल होने का। मेरे जैसे पता नहीं कितने ही भाई हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं बात बन जाए, फिर भी पता नहीं क्यों एक डाउट सा रहता है कि उम्मीद सी कम ही है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि आप हमारी मजबूरी तो समझिए सर, ये मेरा लास्ट साल होगा। ठीक है जी, इतने साल से हम लोग, पिछली बार 3 साल से लगातार मेहनत करी और यू जस्ट विड्रॉल ऑल द वैकेंसीज, जो 3,800 समथिंग पोस्ट PGT की आई थी। सर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कुछ साधन ही नहीं है, वो देवर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न, देवर रेडी, लेकिन उनकी बारी ही नहीं आ रही है और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। और वो कहते हैं ना, विदाउट अपॉर्चुनिटी टैलेंट इज नथिंग, तो ये बात हो रही है सबके साथ में। तो श्वेता बहन का धन्यवाद, उनके साथियों का बार बार धन्यवाद, हमारा जहाँ भी जैसा भी सहयोग होगा हम प्रयास करेंगे। बेरोजगार तो हम भी हैं, थोड़ा बहुत माँ बाप का सहयोग है या कोई छोटी मोटी नौकरी हर कोई कर रहा होगा, मजदूरी भी कर रहे होंगे, कई भाई ऐसे भी होंगे, लेकिन जैसा भी होगा तो आप से निवेदन है, दरख्वास्त है कि थोड़ा सा जो बच्चे PGT PGD क्लियर करके बैठे हैं उनने अपनी उम्मीद है, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा है, वाई डोंट यू गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देम सेल्फ। तो उम्मीद करते हैं कुछ भविष्य में अच्छा हो, वैकेंसी आए, हम फिर से एक जुट जाएं सभी इसी विश्वास के साथ। हाँ लेकिन
श्वेता डुल जी का उनके साथियों का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। इससे पहले उन्होंने योगा जो कोचिज में भर्ती में जो हुआ था डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके बारे में भी आवाज़ उठाई थी। मैं तो शायद तभी से उनको जानता हूँ, हालांकि हूँ तो मैं भी रोहतक से ही, लेकिन बहुत सराहनीय कदम है श्वेता डुल मैम का। वी आर ग्रेटफुल टू हर डेफिनेटली, नो डाउट इन दिस। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, सर प्लीज डू नॉट क्लोज द गवर्नमेंट स्कूल। आवर टीचर्स आवर माइंड्स वर सो मच ग्रेट सर, दे वर रेडी टू सर्व आवर स्टेट। प्लीज गिव देम वन चांस सर प्लीज। तो उम्मीद करते हैं अच्छा होगा सब, और मेरी तरह हजारों लाखों भाई हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी कैट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी अध्यापक की भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भाई हैं मेरी तरह जो कैट की भी तैयारी है वो भी है। तो कई बार अगर एम ना मिलता है ना तो आदमी किसी और एक्सेप्शंस चुन लेता है आदमी। तो सर निवेदन है आपसे, सुनिए आप हमारी, आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अच्छी भर्तियाँ आएंगी, हम सबका सिलेक्शन होगा, सबके घर में चूल्हे जल पाएंगे अच्छे से, सबका भविष्य सिक्योर होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार सभी को।